मेरठ जिला पंचायत अध्यक्ष कुलविंदर सिंह ने कहा कि ग्राम योजनाओं को सुचारू रूप से जन धन तक पहुंचाए तभी हमारा प्रयास सफल होगा। गुरुवार को पंचायती राज विभाग के तत्वावधान में जन योजना अभियान को लेकर एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन विकास भवन के सभागार में संपन्न हुआ। इसी अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि पंचायती राज विभाग प्रधानों के साथ मिलकर काम करें और मार्गों का नाम महापुरुषों के नाम पर रखें। तो पूरा अमल हम लोग करेंगे। पहला प्रयास तो यही था क्योंकि हमारे कई दूर दूर से कई लोग आने वाले थे और मंडलायुक्त महोदया भी इसको इसका अध्यक्षता करने वाली थी लेकिन एंड टाइम पर उनका प्रोग्राम जो है किसी व्यस्तता के कारण नहीं हो पाया। लेकिन अगली बार ये बिल्कुल सुझाव जो है हम लोग मैडम इस पे अमल करेंगे। मैडम क्या है, हर तरीके की इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेस में बड़े अधिकारी नहीं आते जैसे यहाँ नहीं आए? मैं नहीं नहीं ऐसा नहीं मैडम, इतना इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है इसमें कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, ना जिलाधिकारी ना कमिश्नर ना सीडीओ, और जबकि सीडीओ ऑफिस बराबर में। इसमें नोडल अधिकारी आज जो है मेरठ जनपद में नोडल अधिकारी का आगमन हुआ, इसी व्यवस्था की वजह से अधिकारी नहीं आ पाए। बाकी हम लोग भी अपने अपने विभाग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं पंचायती राज। नहीं, आपका इन्वॉल्वमेंट आज से शुरू होगा जब हमने आपको सुझाव हो रहा है कि जैसे हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आप ग्राम पंचायत अपने ग्रामों के लिए काम कर रहे हैं, तो क्यों ना मीडिया पैनल वहाँ जाए, वो देखे क्या है कुछ। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि दिखाते हैं वो हमने नहीं नहीं हम नहीं ऐसा नहीं है मैडम, हम लोग जो आप दिखाते हैं उस पर बहुत अमल करते हैं। जो कमियां भी परिलक्षित होती हैं मीडिया रिपोर्ट्स में प्रिंट में, हम लोग उस पर बिल्कुल उसका संज्ञान लेते हुए ही कार्रवाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपका और हमारा तो बिल्कुल चोली दामन वाला साथ। अभी हम खानपुर गए थे, मैं पिछले महीने खानपुर मेरठ में है, जिला परिषदगढ़ में पड़ता है, वहाँ का रियलिटी चेक करने गए, बहुत अच्छा मिला सब कुछ। चलते चलते आखिरी समय में मैं एक ऐसे स्पॉट पर पहुंच गई, मैं कम से कम 8 मिनट का रही बल्लियों के साथ, ऐसा लगा मैं पूरब में आ गई। दलदल बच्चे बल्लियों के सहारे स्कूल के लिए सड़क पार करते हैं, उस नाले को पार करते हैं, तो मेरे को बड़ा हुआ कि एक तरफ मैं ये रुख देख रही हूँ, दूसरी तरफ शिक्षा के लिए हो रहा है, बच्चों को शिक्षा पाने के लिए बल्लियों के सहारे जाना नहीं हो सकता है कुछ, तो ये संबंधित DPRO साहब को संज्ञानित करा दीजिए, बिल्कुल इसका निराकरण में उसी के लेंगे, यही सब योजना। मैं अभी मेरे कैमरा पर आप खुद देखेंगे, तासुब कर जाएंगी कि कैसे बच्चे जा रहे हैं, कैसे लोग इस नाले को पार कर रहे हैं। हो सकता है, इसमें कोई ना मानने वाली कोई बात नहीं। मैडम कितने % योजना है इस शासन काल में योगी के कागज से उतरकर सड़क पर आ गई है, धरातल पर आ गई है, कितने % सफलता? हम लोग सिर्फ पंचायती राज विभाग की ही बात कर सकते हैं, बाकी किसी विभाग के बारे में हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। पंचायती राज विभाग में जो सबसे अभूतपूर्व काम हुआ है कि पारदर्शिता के का एक पूरे देश में अभिनव प्रयोग है कि हमारी एक एक ग्राम पंचायत, एक एक क्षेत्र पंचायत और एक एक जिला पंचायत का पाई पाई का खर्चा ऑनलाइन हो गया, डिजिटल पूरा। कोई भी पंचायत किसी भी वेंडर को, चाहे इवन मजदूर तक हो। मैडम ये तो सरकार की नीति है, आपकी योजना कितनी धरातल पर उतरी है, सक्सेस हुई है, ये सवाल। हमारी योजना पिछले वर्ष 401 अंत्येष्टि स्थल प्रदेश में निर्मित हुए, 78 पंचायत भवन स्टेट बजट से निर्मित हुए, हमारे 500 पंचायत भवन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत उसकी धनराशि दी गई जो निर्माणाधीन है, क्योंकि उसकी धनराशि जुलाई में प्राप्त हुई थी। और उसके अलावा आप स्वयं गवाह हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बहुत ही व्यापक स्तर पर, उसकी फिगर्स क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ, याद नहीं है मुझे, लेकिन बहुत ही व्यापक स्तर पर हमने ODS का काम किया, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और उससे पहले की सरकार में उस पर फोकस उतना नहीं था जितना वर्तमान। हमारी जो आज मीटिंग हुई है उसमें मैडम रही, जिन्होंने ये बताया कि जो हमारे प्रदेश भर में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं उसको मीडिया के द्वारा एक कार्यशाला थी जिसमें प्रचार प्रसार किया जाए और लोगों तक वो चीज पहुंच सके, क्या चीज हो चुकी है और क्या चीज आगे हम करने वाले हैं अपने पंचायत स्तर पे। तो बस इसी में यही विषय रहा और हम लोगों को यही जागरूक किया गया कि अपनी जो योजनाएं हम गांव देहात तक पहुंचाएं और जो लोगों की समस्या है और जो जरूरी काम है उन तक हम वो लोग कर सके। सुझाव इसमें मेरी तरफ से तो यही रहा कि एक तो खेल के लिए कुछ हमें विशेष तौर पर
जो पंचायत है हमारी, ग्राम प्रधान हुए, ब्लॉक स्तर पे हुआ या जिला पंचायत स्तर पे, कुछ हमें खेल के लिए आगे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आज के समय में मानता हूँ कि सबसे ज्यादा पूरे देश में अगर योगदान है तो हमारा उत्तर प्रदेश दे रहा है, जो हमारे देश का नाम विश्व में जाके रोशन कर रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि खासतौर पर खेल के लिए और जो हमारे तालाब हैं उनका संरक्षण करने के लिए, ताकि हम आगे तक पानी अपना स्वच्छ रख सकें, और पर्यावरण को साफ रखने के लिए पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा हम पौधारोपण कर सकें। नहीं बिल्कुल, हमारा जो फिलहाल का जो फंड है उसको हम केवल सड़कों पे या नाली के लिए इनके लिए यूज कर सकते हैं, हम किसी और फील्ड में यूज नहीं कर सकते। तो 15 वित्त आयोग की जो बैठक हुई थी उसमें मैंने ये मांग भी की थी कि हमें तालाबों के लिए भी, पेड़ लगाने के लिए भी, और स्टेडियम या छोटे मिनी स्टेडियम ब्लॉक स्तर पर बनाने के लिए कुछ अलग से फंड मिलना चाहिए, जिससे हम अपने गांव देहात का और ज्यादा विकास कर सके। क्योंकि जिला पंचायत जो होती है, अगर देखा जाए जिले के लिए सबसे बड़ी बॉडी होती है और जो स्वतंत्र है तो वो अपना काम कर सके, हमारे पास सबसे ज्यादा फंड भी आता है पूरे जिले में। तो मेरा प्रयास ये है कि और फंड अगर हमें बढ़ के मिलता है तो हम जिले का, मतलब जिले से मतलब है गांव देहात का, और ज्यादा अच्छे से विकास कर सके, सभी लोगों को साथ लेकर के जो उनके विचार आएंगे उस पर हम काम कर सकते। गो संरक्षण केंद्र के लिए जिला पंचायत कुछ कर रहा है गो संरक्षण केंद्र, क्योंकि जिसमें भी जाते हैं वहाँ एक दो गाय के बच्चे मरे मिलते हैं। इसमें मेनली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमने जैसे फिलहाल में अभी 6 गौ संरक्षण केंद्र जो है अपने मेरठ जिले में बनाए, हमने अच्छे तरीके से उनको रिनोवेट किया, एक एक वहां पर लड़का रखा गया है जो गायों की, हमारी गायों की जो सेवा करता है, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखता है। लेकिन उसमें परेशानी हमारे साथ क्या आ रही है कि जैसे गांव के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जिसका बछड़ा या गाय या कोई ऐसे बीमार है वो ले जाके हमारे गौ संरक्षण केंद्र में छोड़ देते हैं, जिसकी स्थिति उन लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा दयनीय है, वो उसमें जाके छोड़ देते हैं। अब जब ऐसी स्थिति में अगर वो जाके उसका इलाज करवाएं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा मैं समझता हूँ, लेकिन वो अपनी अपने ऊपर से वो जिम्मेदारी छोड़ करके जिला पंचायत के उसमें डाल देते हैं और वो बेचारे कहीं ना कहीं जो हमारे पशु होते हैं उनका प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोगों की तरफ से यही प्रयास है कि हमने और भी डिमांड की है कि कुछ फंड और बढ़ करके मिले, जिससे हम जिले भर में और गौ संरक्षण केंद्र ऐसे बना सके जिससे हमारे किसानों को कोई समस्या ना आए और जो हमारी गौ माता है उसका भी संरक्षण। ये स्टेडियम का प्रस्ताव मैम, जिस टाइम हम पे फंड आ जाएगा हम तो उसी टाइम करवा देंगे। अब जैसे जिला पंचायत की हमारी भूमि है जो कि शहर में है, जिला नौचंदी ग्राउंड के पास है, 28 बीघे लगभग भूमि है उसकी, हमने अपनी बोर्ड मीटिंग में ये प्रस्ताव पास कर दिया कि उस पे खेती के लिए वो छोड़ी जाती रही अब तक, लेकिन उसके लिए हमने ये प्रस्ताव पास कर दिया है अपनी बोर्ड मीटिंग में कि उसमें एक क्या नाम है हमारा छोटा सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वो डेवलप कर सके, जिसमें हर तरीके के खेल वहां पर हम अलग अलग बना के लोगों को ये अपना मौका दें कि वो आके उसका उपयोग करें। अभी खाली भूमि पड़ी है, अब इतना ही हम कर सकते हैं कि उस जगह को उपयोग कर सके, क्योंकि हमारा जो फंड है वो ऐसा नहीं है कि हम उसको कहीं और यूज कर सके। तो हमारी उम्मीद यही है सरकार से, कुछ फंड हमको अलग से दे, 15 वित्त आयोग से मैंने मांग की कुछ फंड हमें ऐसा दे कि हम उसको स्पोर्ट्स में भी यूज कर सकें, ताकि हमारे जो लोग हैं उनको फायदा मिल पाए।